सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली हमारी जर्नी शुरू हो गई है लेह लद्दाख के लिए। टाइम हो गया 6:10 एंड बेसिकली बारिश का मौसम देख सकते हैं और बारिश हो रही है यार भाई सुबह सुबह। भाई ये वाटरप्रूफ है कि नहीं है? नहीं उतार दूं? तो भाई बारिश आने वाली है, आने वाली क्या आ गई है, और अब हम अपना कैमरा निकालने वाले हैं। माइक शाइक सब जाएगा ना? तो भाई हमेशा की तरह भाई इन लोगों ने लेट कराया, ये जो सारे खड़े हैं ना यहाँ पे, इन सब ने लेट कराया। मैं बेसिकली 4:30 का उठ गया था आज मॉर्निंग में, एंड मैं 6:15 पे बहू बुलाता था, एंड अब देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। आप 2 घंटे लेके चल सकते हैं, तो 2 घंटे यहाँ पे वेट करते रहे, बिकॉज इन सब में से किसी की पैकिंग नहीं हुई थी, बैग पैक नहीं होते, तो उनमें हेल्प किया सबको बैग पैक कराने में। जैसे कि आपको मैं अपनी बाइक दिखाता हूँ, यार मैंने आपको अपनी बाइक नहीं दिखाई कि क्या सीन है मेरी बाइक का। तो ये देख सकते हैं मेरे को सब ने हेल्प किया है, किसी ने ये अपने भैया ने, विशाल भैया ने अपने ये दे दिए सैडल बैग, एंड उस वजह से मेरा ऑलमोस्ट सारा सामान कवर हो गया हुआ है। एंड ये आगे भाई साहब हमारे, चलो, तो इन सब की जो पैकिंग हुई है वो भाई हमने ही की है। तो एक हमारे साथ जा रही है Z900, चलो सर। सो भाई फाइनली जय माता दी सबको जो ये वीडियो देख रहे हैं, एंड भाई प्लीज़ यार इतना थोड़ा सपोर्ट कर देना भाई को कि भाई आगे अच्छी तरक्की पाए ज़िंदगी में, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। जो सबसे लेट आ रहा था सबसे आगे देखो वही बंदा जा रहा है, तो वो है अपना जानू स्टंट, जैसे कि आप सबको पता ही होगा, बिकॉज हमें जाने ना जानो लेकिन आप उनको तो जानते ही होंगे। तो अभी हम सारे जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, एंड पीछे मुझे कोई दिख नहीं रहा अभी तक। 8 बाइक हैं हमारे पास, और सारे पिलियन के बिना राइड कर रहे हैं, बिकॉज पिलियन बैठेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, पीछे हमारा सामान ही इतना है। सो ये आ गई एक Z900, ठीक है, हिल तो नहीं रहा ना? आप पीछे से देखना ना। ठीक है, ओके, ठीक है। वाओ, ये बाइक मेरे पास होती काश, आज नहीं तो कल आई आएगी। भाई सीन देखो क्या हो गया, यहाँ पे लड़ाई हो गई टोल प्लाजा में, सरदारों ने लड़ाई करनी शुरू कर दी है। तो क्या सीन है देख रहे हो आप? भाई लड़ाई हो गई यहाँ पे शुरू। देख रहे हो तो भाई इन्होंने टोल नहीं दिया, बिना टोल के बस निकाल रहे हैं, जगह नहीं मिल रही यहाँ पे, देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये गुंडा कर दी है भाई, इसको गुंडा कर दी बोलते हैं, देख रहे हो सब रिकॉर्ड हो रहा है, ये होती है गुंडा कर दी। साइड हो भाई यार, तो फंस गया बैग मेरा, चोर सारे पागल है, देख रहे हो क्या? भैया क्या चक्कर है? तो बोला था कुछ, ये तीन क्या है यहाँ पे लड़ाई हो गई थी, और ये देखो ये सब बेशरम लोग हैं भाई, क्या बोलूं इन लोगों को, ये अपना जैसे गुंडागर्दी होती है ना, ये गुंडागर्दी फैला रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है सर, गुंडागर्दी। मेरे को बोल रहा है तू कहाँ घुस रहा है, खुद तुम बिना पे किए तुम भाग रहे हो, छोड़ो परे। घर वालों ने बोला था कि जब रस्ते में होगा तो गुस्सा शांत करके रखना, तो मैंने गुस्सा शांत भी रखा था, बिकॉज वो जो बस थी पूरी सरदारों से भरी पड़ी थी। एंड सीन ये था यार, क्या मैं क्या बोलता, मैं अकेला था, और वो आपको पता है टोल प्लाजा जो यहाँ का फेमस है, यहाँ पे गुंडागर्दी कोई नहीं करता, इन लोगों ने कर ली है, और क्या ही बोलूँगा मैं से आगे यार। तो हम कौन होते हैं करने वाले, और इकलौता लड़का सिंगल लड़का मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा जहाँ पे इतने सरदार खड़े हैं। और सीरियसली पहले सरदारों की रिस्पेक्ट थी, लेकिन आज ना इन्होंने अपना क्या बोलूँगा यार, कोई भी अगर सरदार भाई देख रहा ना तो भाई इस चीज़ को मैं कभी हेल्प नहीं या सपोर्ट नहीं करूंगा कि जो इन्होंने किया। अगर टोल तुम रोड बनी है टोल का पे करो, सिंपल सी बात है। ऊपर से तुम मेरे को भी बदतमीजी से बात कर रहे हो कि भाई तुझे क्या गाली पड़ी हुई है, ये क्या गुंडागर्दी है यहाँ पे क्या? हाँ चलो अब आगे यार, हमारा जो ग्रुप है वो आगे निकल चुका हुआ है, एंड
मैं मिलते हैं वहाँ पे, हम टी कॉफ़ी के लिए रुकेंगे, देन उसके बाद आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। एंड अब शुरू होगी हमारी नाशरी टनल फाइनली। अब देखिए कितना लंबा स्ट्रेच है, एंड वॉशरूम भी है पास में जो टूरिस्ट है उनके लिए। सो आगे आगे चल रही है हमारी जी 900, उसे पीछे ड्यू की है, एंड डोमिनार एक ही है हमारी, एक वन एंड ओनली डोमिनार एंड वन एंड ओनली जी 900। एंड भाई मैं सही बोलूँ 31 KMPL माइलेज शो कर रही है बाइक में, एंड मेरा भी एक से दो से तीन मेरे जो लेवल हैं वो डाउन चले गए हैं, एंड जो बाइक है वो 115 किलोमीटर ट्रेवल कर चुकी है। अभी हम पहुँच चुके हैं रामबन, एंड बाकी आगे चलो देखते हैं कहाँ तक आज हमारा दिन निकलता है, कितने बजे पहुँचते हैं, ये बाइक कितना माइलेज दे रही है एंड कितना तेल लगता है, हर एक चीज़ बताऊँगा आपको इस ब्लॉग में। ब्लॉग को एंड तक देखिएगा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पे लगा हुआ जाम, वो भी बेसिकली ट्रक्स की वजह से लगा है, ऐसा ऐसा मुझे लगता है कुछ सीन है यहाँ पे। बाकी आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ, क्या है जो इस वजह, ओ जाम देख रहे हो आप, वो दूर तक दिख रहा है यार ट्रक्स का, वो अगली पहाड़ी तक दिख रहा है भाई, तो ये पता नहीं कहाँ तक होगा, भगवान जाने। चलो देखते, देख रहे हो, देख रहे हो जगह नहीं है निकलने की, और जाम देख रहे हो वो वहाँ तक ऊपर तक है भाई। ये भाई कैसे चला रहा है यार, और ABS भी इस वक्त तक साथ नहीं देता, नीचे देख रहे हो पानी, देखो कितना गहरा होगा, ये मिट्टी वाला कलर है, इट मीन्स कहीं पे बारिश हो रही है। गाड़ियाँ लगी हैं, आने जाने का कोई रास्ता नहीं है, अगर आते हुए ऐसा हुआ तो फिर सीन गलत हो जाएगा यार, सैडल बैग मेरे को ना थोड़ा मुश्किल कर देंगे, बाकी और कोई इशू नहीं है। सो गाइस ये देखो ब्यूटी रास्ते की, रामबन से आगे पहाड़ी पहाड़ और नीचे दरिया जा रहा है या कोई नहर जा रही है, आई डोंट नो एग्जैक्टली भाई, लेकिन जो भी है मज़ा ले रहा हूँ। ड्रीम्स तो ये बोल सकते हैं आपकी सपना पूरा होने वाला, अब जाम भी खुल गया हुआ है। सो भाई अभी मौसम हो रहा है ख़राब, टाइम हो गया है 2 बज रहे, एंड ये लाइन में जा रही है अपनी गाड़ियाँ, देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, एक पीछे 7 और एक मेरी 8। तो भाई पहले भगा रहे थे, अब हम तो नहीं भगा रहे थे, जानू भाई और बाकी एक दो बंदे भगा रहे हैं, बाकी अब सब बोल रहे हैं कि भैया अब सीधा चल रहे हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने डेस्टिनेशन क्रॉस कर लिया, 90 समथिंग किलोमीटर्स रह गया हमारा सिरनर को। डिस्पैड कर रहे हैं, क्या चक्कर है, पानी कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं 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 कोई इशू नहीं है, जब कहीं पे पानी प्रेशर मिलेगा ना, थोड़ा प्रेशर कर देंगे, कभी कभी मिट्टी चली आती है अंदर, उस वजह से हो रहा होगा। मैंने कल पानी मारा था 2-3 बार, मारा पानी से कुछ नहीं, डस्ट चली गई होगी अंदर। जब लोग अच्छा मेरे से फीडबैक लेते हैं या पूछते हैं, बिकॉज देखो यार हमारा जो काम है हमें उस काम से जाना जाता है, और हमारे काम से जब जाना नहीं जाएगा तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। सो भाई अभी खूबसूरती देखनी है ना, तो अब देखो व्यू, देखो भैया तो भाई व्यू देखो, वहाँ पे देखो बादल छाए हुए हैं सारे, और मौसम हो गया पूरा बारिश का, और ये ऐसी जगह तो आपको जम्मू में नहीं मिलने वाली। बेसिकली पीछे ट्रक आ रहा है, थोड़ा आगे निकल के फिर आपसे बात करता हूँ। व्यू देखो यार, बस मैं बेसिकली मेरा मोटिव ये है कि आपको शेयर करना अपनी मेमोरीज, जो मुझे अच्छा लग रहा है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हर एक चीज़ नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि हर एक चीज़ दिखाऊँगा तो आप भी बोर हो जाओगे। बेसिकली ये व्यू देखने वाला है यार, और ऐसी ओपन मार्केट, खुला आसमान, और क्या ही चाहिए यार। सिरनर का वो देख सकते हैं, वो लिखा है एरो, यहाँ से आपको टर्न लेना है सिरनर के लिए। तो अब आ गया हाईवे रोड, और सामने जो व्यू आ रहा है ना वो प्यारा है, एंड वहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, दिख नहीं रहा होगा बिकॉज अभी मैंने वाइड एंगल ऑन किया हुआ है, तो आपको ये दिख जाएगा कि पहाड़ कितने प्यारे लग रहे हैं, और सेक्सी वाला व्यू आ रहा है यार। अब सो भाई मौसम हो गया ख़राब, बारिश आने वाली है, नहीं के नीचे कवर होके देन मैं अपना माउंट निकालने वाला हूँ, बिकॉज ये वाटरप्रूफ केसिंग में नहीं है अभी। वही सीन ये हो गया कि पूरे सिरनर में पेट्रोल मिल नहीं रहा, एंड हम बारिश भी हो रही है, तो अभी हम रुके लाल चौक, एंड प्रॉब्लम ये है कि मेरी बाइक में अभी बिल्कुल भी तेल नहीं है, एंड जो मेरी बाइक चली है वो 260 समथिंग किलोमीटर चली है। बाइक की चाबी कहाँ रखी है? बाइक की चाबी देखने दो, एंड सीन मैं आपको बताता हूँ। सो गाइस अभी हम हैं लाल चौक के पास, हनुमान मंदिर के पास, एंड सामने देख सकते हो व्यू, जो पहाड़ी है सामने,
कितना प्यारा सा लाइट सी आ रही है वहाँ पे। एंड इसके नीचे आप देख सकते हैं व्यू, देखिए ये है सिन्नर की खूबसूरती। तो भाई अभी पहुँच गए हैं लाल चौक, देख सकते हैं रात का व्यू। गाइस ये रहा हमारा रूम एंड देख सकते हैं प्यारा सा रूम है। थैंक्स जिन अंकल ने हमें अकोमोडेशन दी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई, वो भी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको पार्ट टू में या डे टू में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।